Assalamu alaikum and welcome back to Pharmacy Notes. I am back with a new video. तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास एक जो थर्मल एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसको थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है. कॉमनली जो हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसे TGA भी कहा जाता है. TGA हमारे पास जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की एक शॉर्ट फॉर्म है. तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये टेक्निक क्या है, ये हमारे पास एक मेथड है थर्मल एनालिसिस का. इसके अंदर हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस की उसको मेजर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम. जबकि हम उसको कंटिन्यूसली हीट करेंगे या कूल करेंगे तो विद द टाइम एंड विद द टेम्परेचर उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगी हमने उन चेंजेस को जो है वो मेजर करना है. एंड फॉर दैट हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. तो फर्दर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक वेयर वेट ऑफ सब्सटेंस इन एन एनवायरनमेंट इज हीटेड और कूल्ड एट ए कॉन्स्टेंट रेट एंड इज़ रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर. के हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसके वेट को हम क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर कंटिन्यूसली हीट या कूल कर रहे हैं एट अ कंट्रोल रेट. एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास उस हीटिंग या कूलिंग की वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं हमने उनको रिकॉर्ड करना होता है, उन चेंजेस को हमने डिटेक्ट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर. कि हम इसके ऊपर अगर इतने टाइम तक इसको हीट कर रहे हैं या इतने टाइम तक इसको कूल कर रहे हैं तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास फर्दर क्या चेंजेस आ रही हैं. हमने जो है यूजिंग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उन चेंजेस को जो है वो डिटेक्ट करना है, उनको डिटरमिन करना है. देन अगर हम बात करें कि हमारे पास जो TGA की टाइप्स कितनी हैं फर्दर, तो फर्दर हमारे पास TGA की तीन टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास नंबर वन है आइसोथर्मल, इसको हम स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री भी कहते हैं. इसमें हमारे पास क्या है कि जो सब्सटेंस का वेट है उसको वो रिकॉर्ड हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. कि उसको एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसका जो वेट के अंदर चेंजेस आ रही हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. और स्टैटिक इसको इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है हम उसके वेट को मेजर करते हैं. नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है क्विस्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री. इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सैंपल है उसको हम हीट करते हैं टू अ कॉन्स्टेंट वेट, कि हमने उसे कॉन्स्टेंट वेट तक हीट करना है एट ए ईच सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टेम्परेचर हो रहा है वो एक सीरीज के अंदर जो है वो इंक्रीज करता है. और हमने जो वेट है सब्सटेंस का उसको हमने एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वेट तक हीट करना होता है. थर्ड टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्रिक. इसमें हमारे पास जो है वो सैंपल है वो हीट होता है ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जिसका टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है एट अ लीनियर रेट. तो ये हमारे पास जो है तीन टाइप्स हैं ऑफ TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. अब हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ TGA. तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जैसे जैसे आप जो है सैंपल को हीट करते जाएंगे उसका जो आपका वेट वे है, मतलब कि जो कंपाउंड का वेट है आपने उसको भी जो है ना कंटिन्यूसली वे करते रहना है. कि आपने उसके अंदर देखना है कि क्या चेंजेस आ रही हैं. जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर मैस के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं. जो भी चेंजेस आएंगे मैथ के अंदर आपने उनको जो है रिकॉर्ड करना है. एंड देन हमने जो वो सैम उसके ऊपर स्टडीज़ करनी है कि जब हमने इसका टेम्परेचर इस लेवल तक इंक्रीज़ किया तो इसके अंदर क्या चेंजेस आए. अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस होती हैं टेम्परेचर की जो सैंपल को शायद इतना अफेक्ट नहीं करेंगी. उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की हैं जैसे कि मेल्टिंग है या क्रिस्टलाइजेशन है. ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं कि जो इतना हमारे पास सैंपल के अंदर इतनी चेंजेस नहीं लेके आएंगी. लेकिन अगर हम कुछ अदर चेंजेस को देखें जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गई, सब्लिमेशन हो गई या वेपराइजेशन हो गई, वो जो है ना ड्रास्टिक चेंजेस लेके आती हैं सैंपल के वेट के अंदर. इवन दो कि वो हमारे पास जो है उसको कम्प्लीटली एक उसकी स्टेट चेंज कर देती हैं. सॉलिड से उसको हो सकता है कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, हो सकता है उसको गैस में कन्वर्ट कर दें. तो ये कुछ जो हैं चेंजेस हैं
जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे पास सैंपल को, और बेसिकली जो हमारे पास TGA है वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस और गैसियस सब्सटेंसेस के लिए जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा जो है बट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये हमारे पास एक सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन है ऑफ TGA। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है फर्नेंस टेम्परेचर प्रोग्रामर है। ये हमारे पास एक फर्नेंस है। ये जो हमारे पास फर्नेंस टेम्परेचर प्रोग्रामर है ये इसके जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे हमारे पास सैंपल हमारा प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास जो सैंपल होल्डर है ये है, दिस इज़ अ सैंपल होल्डर। तो ये हमारे पास जो सैंपल होल्डर है ये ग्लास का भी हो सकता है, क्वार्ट्स का ये बना होता है हमारे पास। तो जैसे ही हमारे पास इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो इसके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो हमारे पास फर्दर जाती हैं रिकॉर्डर के अंदर। रिकॉर्डर का काम ये है कि जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करेगा। देन हमारे पास एक बैलेंस कंट्रोल सिस्टम इसके साथ अटैच होता है, जो कि फर्दर आगे अटैच होता है हमारे पास एक रिकॉर्डिंग बैलेंस के साथ, जहाँ पे हमें फाइनल जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो मिलती हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास टेम्परेचर सेंसर लगा होता है कि जो हम इस टेम्परेचर को सेंस करता है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है हमारा ये इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, या हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या है और कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उस टेम्परेचर की चेंज को वो डिटेक्ट करता है। एंड देन हमारे पास जो एक प्रोग्रामर है दैट इज़ फर्नेंस टेम्परेचर प्रोग्रामर है, उसको सिग्नल करता है, वो हमारे पास जिसके टेम्परेचर है उसको वापस से कंट्रोल करता है, जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उस तक लेके आता है। तो ये सिंपल सी हमारे पास इसकी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हमारे पास है TGA ग्राफ, दैट इज़ थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ग्राफ। जो हमारे पास रिजल्ट्स हमें मिले अपने इंस्ट्रूमेंटेशन से, फर्दर जब हम उनको हमने फर्दर एनालाइज करना है तो वो हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में आएंगे। TGA जो ग्राफ है इसको थर्मोग्राम भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टेम्परेचर को लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास मैस चेंज के, जो हमारे पास मैस के अंदर चेंजेस आई हैं उनको लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो कर्व है इसको हम TGA कर्व कहते हैं। ये TI है और ये TF है। ये वो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच मैस चेंजेस सीन, कि जहाँ से हमारे पास मैस वेट के अंदर चेंजेस आना या मैस के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई हैं। तो ये हमारे पास TI जो है इनिशियल टेम्परेचर है। देन अगर हम बात करें TF की, दैट इज़ ये हमारे पास TF है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है कि जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद इसके अंदर कोई फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। जो चेंजेस आएंगी वो बिटवीन TI एंड TF आएंगी। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं TGA ग्राफ या और ये जो कर्व है हमारे पास ये TGA कर्व है। सपोज़ कि अगर इस प्रोसेस TI और TF के बीच में कोई चेंज नहीं आ रही, अगर मैथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, तो जो हमारे पास लाइन आएगी या TGA जो कर्व आएगी वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमारे पास है TGA ग्राफ। देन वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कि हम जो है इस टेक्निक को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने थर्मल स्टेबिलिटी, अगर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सैंपल की आपने थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आप उसके लिए जो है TGA को यूज़ कर सकते हैं। देन मटेरियल की कैरेक्टराइजेशन, कोई भी सैंपल है, कोई भी मटेरियल है, उसकी आपने कैरेक्टराइजेशन करनी है, उसके लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कंपोजिशनल चेंजेस, उसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर आपने उनकी जो है चेंजेस देखनी है उनके अंदर, उसके लिए आप इसको जो है उसके एनालिसिस करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक स्टडीज़ हैं, आप उनके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सैंपल की अगर आपने प्योरिटी को डिटरमिन करना है तो उसके लिए भी आप जो है TGA को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।